नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हमारे साथ गुरमेल कौर जी हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने कैसा माहौल देखा है आश्रम का, क्या है असली सच, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। गुरमेल कौर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? असीं 27 साल तो लगभग इतने आ रहे हैं, 20 साल तो पक्की सेवा दे विच संगति दे विच सेवा कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली भी आ रही है? बिल्कुल, सारे बच्चे, बेटी, मेरे हस्बैंड सारे आ रहे हैं। कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको बेटियों को लेकर, खासकर कैसा माहौल लगता है आश्रम का? मैं तो ये सोचती हाँ भी जे असी वार्ड की भी गल करिए, आल वार्ड की भी कित भी इन्नी सेफ्टी नहीं जिनी असी बच्चों इतने छड़ के, मतलब गर्भ के नाल महसूस करते हैं, सानू कोई फिक्र ही नहीं रहता जो साढ़े कल्ले बच्चे भी इतने रहते हैं जाते हैं, बिल्कुल मतलब संतुष्ट रहने। असं कहने भी जे इतने दिया बेटिया जिन्या मतलब इतने चंगी शिक्षा मिलती है कित होर संस्था तो नहीं मिल सकती। लेकिन मीडिया च तो बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा है, इतने आने वाली बेटिया की इज्जत को तर तर किया जा रहा है उन्होंने खबरों द्वारा, की कहना चाहोगे उन्होंने न्यूज़ उस न्यूज़ के बारे में? मैं इस न्यूज़ में दिलों नकार दियाँ, बहुत निंदा कर दियाँ इस गल की, मतलब जिन्ना लोगों ने इस बारे कहा इतने तो जो भी बेशवा बेटिया का मतलब इतने बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्नी जगह इज्जत दी गई, उन्होंने एक प्यो का दर्जा दिता गया, उन्होंने इन्नी इन्नी चंगी फैमिलिया के रिश्ते कराए ने, एक नरक की जिंदगी दे कढ के इतने उन्होंने सुख का दिखाया, बहुत वड्डे डॉक्टर इंजीनियर बच्चे ने वकीलों उन्होंने मैरिज हुई ने, ये कदे भी सोच नहीं सकते। असं निंदकों यही कहना चाहते हैं भी तुम आके देखो, जो उन्होंने कुछ देखे नहीं तो कह तो बहुत कुछ कहे लोग। जिहड़े आरोप संत जी ते लगाए जा रहे हैं उन्हां बारे की लगता है तुम्हें? बिल्कुल गलत ने, बहुत 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 ही निंदन योग ने ये जिहड़े आरोप लाए गए ने, कहन नाल की है मैनू कोई जांदी नू कह दूगा, जिहड़ा मेरी फैमिली नू पता ना, वो असी एक फैमिली आ उहदी, सानू पता साडा बाप गया, कहन दा की है, कहन दा किसी नू भी कुछ कह दो अज तुरे जांदे ने, उन्हें आ करता जी उन्हें करता, पर हुंदा कुछ नहीं है ये, पर सानू एन पूरा 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 विश्वास है भी साढ़े संत गुरु संत गुरमीत राम रहीम जी एक दिन जरूर वह एन बड़े बाइज्जत आने साढ़े संगत। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा के उपर ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब संत जी ने ही क्यों टारगेट किया गया? तो सानू पता ही है सब तो की कहना चाहते हो, जो अज सच के राह चलता है उन्होंने जरूर इस तरह शुरू तो इतिहास बरोल के देख लो, जिन्होंने भी यह सच का बीड़ा चुकया किसी सीधे राह पाने की गल की है उन्होंने इदा ही एलीगेशन लगते आए, इस कोई दो राय नहीं हैगी। साढ़े गुरुआ दशा पातशाहियों देख लो, गुरु अर्जन देव जी ने तत्तियां तवियां बहाया, उन्होंने भी तो नाम जपया तो जपाया ही सगा, होर की किया, यही साढ़े संत जी कर रहे हैं, अज नौजवान पीढ़ी को नशा तो बाहर कढ रहे हैं तो सानू वधिया सिक्ख्या दे रहे हैं, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाओ, किसी दुखी का मजाक ना उड़ाओ, सीधे रस जे ड्रग माफिया ने वो तो चकन गए गलों भी ऐसा दुनिया सारी हट जूगी नशिया तो, इस करके उन्होंने फिर ये लोगों ने सारिया ने कहणगी। तो गुरु जी किस धर्म मानते हैं? सर्वधर्म संघ सारे धर्मों मानते, किसी भी धर्म की इतने निंदा नहीं की जाती, सच का पाठ पढ़ाया जाता है सारे धर्मों। कुछ कुछ महीने पहला ही पंजाब च मुद्दा उठाया जा रहा है धर्म को लेकर जी, तुसी की दसना चाहोगे सच की है? सच तो यह कुछ तो ये राजनीति आ गई, पोलीटिकल गल् आ गई, राजनीति जोड़ता सारे कासे नूं, इन्होंने धर्मों को राजनीति जोड़ लिया, पर वह भी बहुत वड्डा गलत है, पर इतने तो कीड़ी के उत्ते पैर धरना भी एक पाप वड्डा समझा जाता है कि असी गुरु ग्रंथ साहिब के इस तरह का कोई हो सकता है भी इदा दियाँ कोई गल्लां सिखाईयां, असी धर्म नूं मानदे, असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं खुद मानदे, मैं सिख परिवार तो बिलोंग करदी हाँ, साडे परिवार दादे पुरखां तो साडा सिख धर्म नाल साडा बहुत रिलेटड है, असी बहुत इज्जत करदे हाँ, पर कोई भी प्रेमी इहो जिही किवें होणी हरकत नहीं करदा जिहड़े एलीगेशन साडे ते लाए जांदे ने। कदे तुसी सुनिया होवे गुरु जी तो जां किसी व्यक्ति बारे किसी धर्म बारे कदे भी अलग तरीके नाल तुसी महसूस किया होवे जां सुनिया होवे? बिल्कुल। गुरु जी का समाज के लिए की कॉन्ट्रीब्यूशन है? समाज के लिए तो उन्होंने मतलब इन्नी ज़्यादा उन्होंने सोचा हुआ भी समाज में असं एक इदा की सेध दे दिए इदा ना बना दिए भी इतने एक धरती मिनटा च स्वर्ग बन जाए, जे सारा समाज गुरु जी दी मतलब सिक्ख्या ते चलदा है तो एक पल नहीं लगता इतने सतयुग आउण नूं, एक पल भी नहीं लगता। हमारे देश के लिए क्या किया है गुरु जी ने? देश के लिए देश के लिए
देखो सफाई सीखे भगवान सानू सिखाया भी गंदगी साढ़े बहुत होंगी सी असी डेरे च भी शुरू च आते इन्नी सफाई नहीं थी होंगी तो इन्नी नॉलेज नहीं सी गुरु जी ने इन्ना सिखाया भी सफाई रखो सफाई साढ़े लिए साढ़े आले दुआले बहुत जरूरी है बच्चियों लिए पाप ना करो बेटी ना मारो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा होर भी